वेलकम टू माय चैनल रेमेडिया होम्योपैथी का। आज मैं आपको एक बीमारी और उसके इलाज और सावधानियों के बारे में बताने वाला हूँ। वो बीमारी है बवासीर। बवासीर को अर्स भी कहा जाता है और मूल व्याधि। यह एक खतरनाक बीमारी है। बवासीर दो प्रकार की होती है। आम भाषा में इसको खूनी और बादी बवासीर के नाम से भी जाना जाता है। कहीं पर इसे महोशी अर्स मूल व्याधि के नाम से भी जाना जाता है। मलाशय में जलन और सूजन और गुदा में बेचैनी और रक्तस्राव को बवासीर आमतौर पर मल त्याग, मोटापा या गर्भावस्था के दौरान तनाव से उत्पन्न होते हैं। खूनी बवासीर में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, केवल खून आता है। पहले पखाने में लग के आता है, फिर टपक टपक के, फिर पिचकारी की तरह और सिर्फ खून आने लगता है। इसके अंदर मशा होता है जो कि अंदर की तरफ होता है, फिर बाद में बाहर आने लगता है। मल के बाद अपने से अंदर चला जाता है। पुराना होने पर अपने हाथ से दबाने पर ही अंदर जाता है। आखिरी स्टेज में हाथ से दबाने पर भी अंदर नहीं जाता। बादी बवासीर रहने पर पेट खराब रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बनती है। बवासीर की वजह से पेट बराबर खराब रहता है, न कि पेट गड़बड़ होने की वजह से बवासीर होती है। इनमें जलन, दर्द, खुजली, शरीर में बेचैनी, काम में मन न लगना इत्यादि। टट्टी कड़ी होने से इसमें खून भी आ सकता है। इससे मशा अंदर होता है। मशा अंदर होने की वजह से पखाने का रास्ता छोटा हो जाता है, चुन्नन फट जाती है और इससे घाव हो जाता है। इसे डॉक्टर अपनी भाषा में फिशर कहते हैं, जिससे असहाय जलन पीड़ा होती है। बवासीर बहुत पुराना होने पर भगंदर हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला कहते हैं। भगंदर में पखाने के रास्ते के बगल से एक छेद हो जाता है जो पखाने की नली में चला जाता है और फोड़े की शक्ल में फटता है, बहता है, सूखता रहता है। कुछ दिन बाद इस रास्ते से पखाना भी आने लगता है। बवासीर भगंदर की आखिरी स्टेज होने पर यह कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे रेक्टम कैंसर कहते हैं, जो कि जानलेवा साबित होता है। कारण, इसके होने में भूमिका निभाने वाले कारकों में अनियमित मल त्याग आदतें, कब्ज, डायरिया, व्यायाम की कमी, पोषक कारक, कम रेशे वाले आहार, अंतर उदरीय दबाव में वृद्धि, लंबे समय तक तनाव, जलोदर, अंतर उदरीय मास या गर्भावस्था, अनुवांशिक अर्स सीराम में भीतरी वॉल्व की अनुपस्थिति तथा बढ़ती उम्र शामिल है। अन्य कारक जो जोखिम बढ़ाते हैं उनमें मोटापा, देर तक बैठना इत्यादि। बताते हैं चिन्ह और लक्षण के बारे में। बाह्य तथा आंतरिक बवासीर भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित हो सकता है। हालांकि बहुत से लोगों में इसके दोनों प्रकार के संयोजन भी हो सकते हैं। रक्त अल्पता पैदा करने के लिए अत्यधिक रक्त स्राव की बेहद कम होती है। गुदा के आसपास कठोर गांठ जैसी महसूस होती है। इनमें दर्द रहता है, खून भी आ सकता है। शौच के बाद भी पेट साफ न होने की आभास होना, शौच के वक्त जलन के साथ लाल चमकदार खून का आना, शौच के वक्त अत्यधिक पीड़ा होना, गुदा के आसपास खुजली एवं लालीपन व सूजन रहना, शौच के वक्त म्यूकस का आना, बार बार मल त्यागने की इच्छा होना लेकिन त्यागते समय मल न निकलना। सावधानियां, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। बवासीर के रोगी को बादी और तले हुए पदार्थ नहीं खाना चाहिए, जिनसे पेट में कब्ज की संभावना हो। अधिक वजन वाले लोगों को वजन कम करना चाहिए। भोजन में प्रतिदिन ताजे मौसम में पाए जाने वाले फलों के सलाद का सेवन करें। हरे व ताजे पत्तेदार सब्जियां का सलाद भोजन से पहले सेवन करें। मैदा से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन से बचें। होम्योपैथिक इलाज, होम्योपैथिक पद्धति से पाइल्स का बिना सर्जरी के इलाज संभव है। पहली व दूसरी स्टेज तक ये दवाएं कारगर होती हैं।
शौच के दौरान तेज दर्द के साथ फिशर की समस्या को नाइट्रिक एसिड दवा देते हैं। मरीज को मोशन के समय पाइल्स की साथ रक्त आज तो सल्फर दवा देते हैं। जब मरीज को गुदा मार्ग पर त्वचा संवेदनशील लगे तो ऐसा में पायोनिया दवा से आराम दिलाया जाता है। लंबे समय से कब्ज की समस्या के बाद यदि पाइल्स की परेशानी हो तो साइलेशिया दवा का प्रयोग करते हैं। पाइल्स के साथ कमर दर्द और गुदा मार्ग पर सुई जैसा चुभन हो पर मरीज को एस्कुलस दवा देते हैं। हेमेलिस दवा लंबे समय तक चल रहे कब्ज की समस्या में अधिक रक्तस्राव होने पर इसे अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। गहरे लाल रंग का अत्यधिक रक्तस्राव होना गुदा के क्षेत्र में रक्तस्राव के साथ गंभीर दर्द, बवासीर के साथ पीठ में भारीपन होना जैसे पीठ टूटने वाली है। ऐसे बीमारियों के जानने के लिए जुड़े रहें रेमेडिया होम्योपैथिका से। धन्यवाद।